कहानी शुरू होती है। जॉन ने अपने सर्कस के लिए शेर मंगाया है जिसको दिखा के लोगों से पैसा कमा सके। ये सेमी और टॉम है, जॉन के सौतेले बच्चे माँ ने सुसाइड कर ली है। सेमी टॉम का एडमिशन करवाने स्कूल आई है। टॉम माँ के जाने के बाद थोड़ा पागल हो गया है। स्कूल टॉम को रखने के लिए रेडी है, मगर पता लगता है सेमी के अकाउंट में पैसा नहीं है। सेमी फोन लगा के पता लगाती है तो बताया जाता है जॉन ने सारा पैसा जानवर में उड़ा दिया है। यहाँ जॉन टाइगर को घर लाता है। सभी काम करने वाले देखने लगते हैं, टाइगर इसकी उंगली खा जाता है। फिर जॉन घर की सभी विंडो बंद करवाने लगता है, हर दरवाजा बंद करवा देता है। कुछ देर बाद गुस्से में सेमी घर आती है। जॉन को घर के हर कोने में ढूंढती है, वो नहीं मिलता। घर के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, सेमी को नजर आता है जॉन नीचे है। ये फौरन भागती है, जॉन से कहती है मेरे पैसे कहाँ है। जॉन कहता है कौन से पैसे, तुम्हारी मॉम के जाने के बाद सब मेरा है। सेमी कहती है ठीक है, सिर्फ टॉम की स्कूल फीस दे दो। मगर जॉन कहता है मैंने सारे पैसे से जानवर ले लिए। अब सेमी परेशान है, चिल्लाती है, सोने जा रही है, गलती से मोबाइल कपड़ों के साथ डाल देती है। नीचे से कुछ आवाज आती है, आके देखती है टॉम है। दोनों अंदर आते हैं, सेमी दरवाजा बंद करती है। कुछ देर बाद कोई टाइगर को घर के करीब लाके दरवाजा खोलता है, फिर पिंजरा खोल देता है। शेर घर में खुला घूम रहा है, अपना शिकार ढूंढ रहा है। सेमी की आंख खुलती है, बहुत घबराई हुई है, उठती है, कमरे से बाहर निकल के नीचे की तरफ जाने लगती है। फ्रिज से पानी लेके पीते हुए ऊपर जा रही है, अचानक आवाज होती है। नीचे आके देखती है, कुछ नजर नहीं आता। सेमी अपने कमरे में जा रही है, फिर कुछ आवाज आती है। सेमी नीचे आके देखती है, कुछ नहीं है। पीछे मुड़ती है, सामने शेर गुजरता हुआ दिखता है। सेमी घबराते हुए ऊपर आती है, कमरे में आके लाइट बंद करके विंडो खोलती है, मगर बाहर से लकड़ी लगी है। भाग के दूसरी खोलती है, वो भी बंद है। फोन लेने भागती है, चार्ज पर नहीं है, कपड़ों के साथ डाल दिया था। बहुत परेशान और घबराई हुई है सेमी। डरते हुए दोबारा नीचे आती है और धीरे धीरे छुपके आगे बढ़ने लगती है। लॉन्ड्री रूम में आती है, फोन मिलता है, इमरजेंसी कॉल करती है, मगर तूफान की वजह से कोई कॉल नहीं लगता। सेमी कमरे से बाहर देखती है, शेर की शैडो देख के भागती है। दरवाजा खोलती है मगर बंद है, ऊपर की तरफ भागती है, लेकिन घबराते हुए वापस नीचे की तरफ आती है। भागते हुए दरवाजा खोलती है मगर बंद है, तोड़ने लगती है, बहुत परेशान है। शेर आवाज सुन के तेजी से नीचे आके दरवाजा तोड़ता है। सेमी फौरन दिमाग लगाती है, मोबाइल साथ लेके चिमनी में घुसने लगती है। बहुत मुश्किल है, शेर दरवाजा तोड़ने वाला है। सेमी अंदर जाने की कोशिश कर रही है, दरवाजा टूटता है, सेमी अंदर घुस जाती है। नीचे शेर है, ऊपर सेमी घबरा रही है, शेर चक्कर लगा रहा है। सेमी कांप रही है, ऊपर जाने की कोशिश करती है। नीचे मोबाइल की रिंग बजती है, शेर मोबाइल ही तोड़ देता है। सेमी घबरा के नीचे गिरने लगती है, सेमी का पसीना बहता हुआ नीचे गिरता है। शेर फौरन आके लिक करता है ऊपर। सेमी बहुत ज्यादा डरी हुई है, शेर की नजर सेमी पर पड़ती है और वो यहाँ से जाने लगता है। सेमी नीचे देखती है, अचानक शेर हमला करता है। सेमी ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, शेर अपने पंजे से सेमी को पकड़ना चाहता है। सेमी अचानक फिसलती है लेकिन खुद को रोकती है। नीचे शेर सेमी को खाने के लिए बेचैन हो रहा है। सेमी फिर कोशिश करती है खुद को ऊपर की तरफ पुश करती है, नीचे शेर भी कोशिश कर रहा है। बड़ी मुश्किल से सेमी चिमनी से बाहर आती है, शेर यहाँ से चला जाता है। सेमी धीरे धीरे बाहर निकलती है, बाहर आके सुकून की सांस ले रही है। अचानक डर जाती है, सामने टॉम बैठा है। फिर दोनों कमरे से बाहर आते हैं, सेमी आगे जा रही है, पीछे टॉम दूसरी तरफ भागता है। सेमी टॉम को लेने भागती है और अपने साथ लाती है। शेर नीचे से देख रहा है, दोनों कमरे में आते हैं, शेर दरवाजा तोड़ने लगता है। सेमी टॉम को लेके बेड के नीचे छुपती है और बाहर खुशबू फैलाती है। शेर दरवाजा तोड़ के अंदर आता है, दोनों बहुत घबराए हुए हैं। शेर इधर उधर घूम रहा है, बेड के ऊपर चढ़ता है। सेमी इधर उधर देखती है, घबराती है, अचानक शेर सामने आके हमला करता है। दोनों डरते हुए दूसरी तरफ खिसकते हैं, शेर भी आगे बढ़ता है तो बेड पलट जाता है। सेमी दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, शेर बेड की चिरफाड़ करता है, मुश्किल से दरवाजा खुलता है। सेमी बाहर आती है, फिर टॉम को बाहर खींचती है, दोनों तेजी से बाहर भागते हैं। नीचे आके सेमी दरवाजा तोड़ने की फिर से कोशिश करती है लेकिन थक के रोने लगती है।
अब सेमी टॉम को उठा के ऊपर ले जाने लगती है। ऊपर नजर पड़ती है तो टेबल लाती है, ऊपर चढ़ती है, खोलने की कोशिश करती है मगर नहीं खुलता, सभी तरफ स्क्रू से बंद किया है। शेर की आवाज आती है, सेमी फौरन भाग के रूम में आती है, शेर पीछे आ रहा है। टॉम को अपने साथ लेके पीछे के रास्ते से निकलती है। दोनों दूसरे कमरे में आते हैं, सेमी दरवाजा बंद करती है, दोनों अलमीरा में छुप जाते हैं, बहुत ज्यादा डरते और घबराते हैं। शेर अंदर आके घूमने लगता है, सेमी देख के डरती है, शेर अलमीरा की तरफ बढ़ता है, सेमी अपनी सांस रोकती है, शेर सेमी की आंख में आंख डालता है, सेमी शेर के दांत देखती है, अचानक दीवार तोड़ने लगती है, शेर भी अलमीरा तोड़ने की कोशिश करता है, सेमी अपनी पूरी ताकत लगाती है, शेर ने अलमीरा तोड़ ही दी है, सेमी ने दीवार तोड़ दी। पहले टॉम को बाहर निकालती है, फिर खुद निकलती है, शेर अंदर आके सेमी के पैर पर हमला करता है, मुश्किल से सेमी बाहर आती है, शेर भी बाहर आने की कोशिश करता है, सेमी शेर को मार के टॉम को लेके भागती है। दोनों कमरे में आते हैं, सेमी दरवाजा ब्लॉक करती है और कमरे की सारी खिड़कियां तोड़ने लगती है। रात से सुबह हो गई, अब सेमी गोलियां उठा के गन ढूंढने लगती है, पागल होने लगी, सब कुछ इधर उधर फेंकती है, अब हिम्मत हार के कोने में बैठ के रो रही है। सामने पड़ा कागज उठा के देखती है, लाइफ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट है, जॉन ने इंश्योरेंस के पैसे के लिए इन दोनों को मारने का ये प्लान बनाया है और इनकी माँ को भी मार दिया। अब सेमी उठती है, गन ढूंढने लगती है, गन उठा के गोलियां लोड करती है। दूसरी तरफ जॉन बार में ड्रिंक कर रहा है और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। अब सेमी कमरे से बाहर आती है, सामने से शेर आ रहा है, टॉम बाहर निकलता है, सेमी रुकने को कहती है, सेमी छुपी हुई है, शेर पास से गुजरता है, सेमी गन लोड करती है, गोली चला के भागती है, शेर पीछे भागता है, सेमी आके टेबल के नीचे छुपती है, सामने टॉम बैठा है, ऊपर शेर घूम रहा है, चुपके से बाहर आके दरवाजा बंद करती है, टॉम को पकड़ती है, वो चिल्लाता है, गलती से मारता है, खून आने लगता है, शेर जंप मारता है, सेमी अंदर भागती है, किचन में छुप जाती है, शेर गैस पर चढ़ता है, सेमी सभी गैस चालू करती है, शेर भागता है, सेमी गोलियां चलाती है, मौका मिलते ही भागती है, दूसरे रूम में आके दरवाजा ब्लॉक करती है, ऊपर चढ़ के विंडो तोड़ने लगती है, शेर पूरी कोशिश कर रहा है कमरे में आने की, सेमी ने विंडो तोड़ दी है और बाहर निकल रही है, शेर ने भी दरवाजा तोड़ दिया है, जैसे ही हमला करता है सेमी फौरन बाहर गिरती है, जोर से चिल्लाती है, उठ के आगे बढ़ने लगती है, कार नजर आती है, फौरन कार में बैठती है लेकिन कार चालू नहीं होती, सेमी रोने लगती है, टॉम और माँ की याद आती है, वो घर को देखती है और खूब रोती है, फिर हिम्मत करके बाहर आती है, वापस घर की तरफ बढ़ती है, जहाँ से बाहर आई थी वहीं से अंदर घुसती है, गन उठा के धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लकड़ी पर कपड़ा बांध के आग लगाती है, दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में सेमी को घबराहट होती है मगर वो टॉम को लेके आगे बढ़ती है, दोनों नीचे जाने लगते हैं, दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अचानक ऊपर से शेर हमला करता है, सेमी गोली चलाती है मगर शेर को कुछ नहीं होता, दोनों पीछे होने लगते हैं, शेर आगे बढ़ रहा है, सेमी हिम्मत दिखाती है, फ्रिजर खोलती है, टॉम को अंदर जाने को कहती है, लकड़ी फेंक के फ्रिजर में घुसती है, शेर हमला करता है, फ्रिजर पलटता है, दोनों को अंदर ठंड लगती है, बहुत डरे और घबराए हुए हैं। दोनों रात फ्रिजर में गुजारते हैं, सुबह सेमी बाहर आती है, टॉम को बाहर निकालती है, दोनों आगे बढ़ते हैं, कोई दरवाजा खोल रहा है, जॉन गन लेके अंदर आ रहा है, दोनों आगे बढ़ रहे हैं, सामने देख के जॉन हैरान है, सेमी और टॉम जिंदा है, खड़ा होता है, दोनों आगे बढ़ते हैं, जॉन दरवाजा बंद करता है, सेमी कहती है, मुझे पता है यहाँ क्या हुआ और क्यों हुआ, हमको जाने दो, हम कुछ नहीं करेंगे, जॉन कुछ कहता इससे पहले शेर हमला करता है, सेमी टॉम को लेके मुड़ती है, पीछे जॉन के चिल्लाने की आवाज आ रही है, जब मुड़ती है तो शेर अपना शिकार खींच रहा है, दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, शेर जॉन को खा रहा है, पहले टॉम बाहर जाता है, फिर सेमी जा रही है, शेर आंख में आंख डाल के सेमी को देखता है, दोनों बाहर आते हैं, तूफान ने सब बर्बाद कर दिया, टॉम सेमी के हाथ में हाथ देता है, दोनों खुश होते हैं। ऐसी और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो।